Hello everyone, this question appears in Class 6 NCERT chapter of Practical Geometry. This is first question of its exercise 14.4. So the question says that draw any line segment AB, mark any point M on it, through M, draw a perpendicular to AB, use ruler and compass. So firstly हम एक line segment draw कर लेंगे with help of ruler. इसे mark कर देंगे point A and मार्क एनी पॉइंट एम ऑन इट. सो इस पर हम कहीं भी एक पॉइंट एम मार्क कर देंगे. देन हमें ड्रॉ करना है थ्रू एम, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर टू ए. सो हम कंपास के पॉइंटर को फर्स्टली एम पर फिक्स करेंगे. देन एक आर्क ड्रॉ करेंगे जो लाइन सेगमेंट ए बी को पॉइंट सी एंड डी पर इंटरसेक्ट करेगा. देन पॉइंट सी को एज अ सेंटर लेकर हम एक आर्क कट करेंगे, कंपास को ओपन करेंगे ग्रेटर देन सी एम, सी एम से थोड़ी ज्यादा लेंथ का कंपास ओपन करके एक आर्क कट कर देंगे. देन पॉइंट टी को सेंटर लेके एक आर्क अगेन कट कर देंगे. देन इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हम ई मार्क कर देंगे. देन ई एंड एम एम को हम ज्वाइन कर देंगे. सो हमें यहां पे एक परपेंडिकुलर मिल जाएगा. सो ई एम इज परपेंडिकुलर टू टू ए बी, और ये हमें कंस्ट्रक्ट करना था थ्रू एम ड्रो अ परपेंडिकुलर टू ए बी. सो ई एम इज अ परपेंडिकुलर ऑन ए बी. थैंक यू.